अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज एवरी में एक मसला हो गया है, तो काफ़ी मेरे लिए तो काफ़ी बड़ा मसला है, शायद आप लोगों के लिए नहीं होगा। क्योंकि यार इसमें आपको पता है, हमने एक सजावट के लिए एक हमने इसमें ट्री लगाया हुआ था, दरख्त लगाया हुआ था छोटा सा, जिसमें जो ये दोस्तों ये जो नीचे गमला देख रहे हैं ना, आप इसमें अड़ाया हुआ था। आप देख रहे हो कि यार वो किधर चला गया दोस्तों, यहीं पर ये रखा हुआ साइड पर। तो इसमें यार कल मैं जब एवरी के अंदर मैं गया, तो वहाँ पे मुझे थोड़ी स्मेल सी आ रही थी। फिर मैंने देखा कि हमारा जो दोस्तों ये गमला है ना, इसके अंदर काफ़ी देर स्मेल आ रही थी। तो उसमें फिर उनका जो दाना वगैरह छिलके होते थे वो उड़ उड़ के उसमें चले गए थे। फिर दोस्तों मैंने जब उसको हटा के देखा, और गीली सी जगह हुई भी थी मैंने, और वहाँ पर मैंने बटेर की गलती से अंडे भी रखे हुए थे। तो उसमें दोस्तों जब मैंने हटा के देखा तो यार उसमें कीड़े बने हुए थे, तो काफ़ी मसला हो गया। तो फिर मैंने कल को उसी टाइम दोस्तों ये जो दरख्त था ये निकाल दिया। इसकी मैंने आज सफाई करनी थी, लेकिन आज टाइम नहीं मिला। तो ये दोस्तों हम इंशाल्लाह कुछ दिन डिले करते हैं इसको, वैसे आजकल मैं इंशाल्लाह मैं कर दूंगा इसे। तो इसको दोस्तों फिर ये वाला मसला हो गया, मैंने फिर दरख्त निकाल दिया। तो इसमें चले मैं आपको जाकर भी दिखाता हूँ क्या मसला हुआ, और आपको एक सवाल पूछना या तो वो हम कर ही देते हैं। तो चलते हैं दोस्तों एवरी के अंदर और जाके देखते हैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताऊंगा। तो बस आप सभी को चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो लास्ट तक देखा, फिर मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करें। एवरी में आ चुका हूँ, ये देखें ये गमला बिल्कुल अब खाली हो चुका है, और ये जो हमारा ट्री था ये भी माशाल्लाह यहाँ पे है, और ये देखें कुछ यहाँ पे अड़ा हुआ है ये। तो वो मैंने अपनी टब्स के लिए देखे, जो रिंगनेक डब है दोस्तों इनके लिए नेस्ट लगाया था यहाँ पे ये वाला, लेकिन ये भी इन्होंने बैठ बैठ के तोड़ दिया, मतलब कि मुड़ गया ये। और हमारी वैसे डब्स जो हैं बिल्कुल तैयार हैं ब्रीड के लिए, लेकिन बस इसी इंशाल्लाह इसको जब हम दोबारा लगाएंगे। और यार ये देखें, देख रहे हैं दोस्तों आप कितनी सारी मक्खियाँ, देखें ये देखें ये बैठी हुई यहाँ पे, ये 8-10 यहाँ पे बैठी हुई हैं ये देखें। तो इतनी मतलब कि काफ़ी गंदी हुई हुई हमारी एवरेज, जिस तरीके की पहले थी उस तरीके की अब नहीं रही, और इधर बैठा हूँ इतनी स्मेल आ रही है। तो बाकी इस एवरी को दोस्तों मैंने कुछ दिन तक इंशाल्लाह रिन्यू कर देना, पेंट शेंट करके, वाइट सफ़ेदी करके, फुल मतलब जैसे हमने पिछला साल किया था। ये देखने आया कि कोई कीड़ा नज़र आ रहा तो मैं पकड़ के खा लूँ। तो इंशाल्लाह दोस्तों इसकी मैं सफाई करूँगा बहुत जल्द। और आपको एक मज़ेदार चीज़ बताऊँ दोस्तों, जब से हमने अपने एवरी का ये बोरा हटाया था ना, तब से हमारे पास दोबारा से बटेरों के अंडे आ चुके हैं, बिल्कुल ताज़ा हैं ये देखें, 1, 2, 3 अंडे पड़े हुए माशाल्लाह। और यार देखते हैं हम कि अगर हमारी कोई सी तोती ने अंडे दिए हुए, अगर वो अंडे अनफर्टाइल हैं तो फिर हम एक एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। शायद मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था दोस्तों, ये हमने दोस्तों मुर्गी के नीचे बटेर के अंडे रखे थे, लेकिन वो अंडे सारे के सारे मुर्गी ने खा लिए थे, जिसकी वजह से फिर वो बच्चे नहीं बन पाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो बटेर के अंडे हैं ये हम रख दें तोती के नीचे, और एक्सपेरिमेंट करके देखें कि क्या बच्चे निकलते हैं कि नहीं निकलते। बटेर के 3 अंडे दोस्तों, और बजीज के देखते हैं कि कितने अंडे हैं, अगर वो अंडे अनफर्टाइल हुए फिर हम उनको हटा लेंगे, अगर फर्टाइल हुए फिर रखे रह लेंगे फिर अगली बार इंशाल्लाह करेंगे। तो चलें देखते हैं सबसे पहले कितने अंडे हुए बटेरों के, तो मुझे नज़र आ रहा है 3 बजीज के देखते हैं। दोस्तों ये वाली जो मटकी है ना, इसमें फ़ीमेल दोबारा से अंडे दे दिए थे, और ये मैं जाके देखता हूँ। और यार इतनी मक्खी हुई हुई हैं यहाँ पे, बहुत गंद मचा हुआ यार। ये देखें माशाल्लाह कैसे बैठा हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे जंगल में बैठा हुआ है ये मेल। तो इसको मैं हटा देता हूँ। ये दोस्तों वही मेल था जो लास्ट टाइम निकला था हमारे पास। ये दोस्तों माशाल्लाह ये मटकी है इसकी, और इसमें फ़ीमेल ने 3 अंडे दिए हैं ये देखें। तो यार इनकी चले कैंडिंग कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम इसके अंडे रख देंगे। तो चलें दोस्तों यार सबसे पहले इनकी कैंडिंग करते हैं। टार्च आ चुकी है, फीमेल बाहर आ जाएगी आप खुद ही, ये देखें। और इनके अंडों की देखते हैं दोस्तों कि क्या सूरत हाल है। तो ये अंडा दोस्तों बिल्कुल अनफर्टाइल है, देखें कुछ भी नहीं बनना शुरू, और काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 8 से 10 दिन हो गए इसने अंडे दिए हुए। तो ये अंडा अनफर्टाइल है, और ये वाला अंडा देख लेते हैं हम। इस अंडे में दोस्तों है प्रोसीजर, ये देखें, ये देखें दोस्तों ये बच्चा बन रहा है, ये शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये देखें ये लाल लाल सा। तो ये अंडा फर्टाइल है। तो ये देखें दोस्तों ये अंडा देखें किस तरीके से खा रही है, ये वैसे भी अनफर्टाइल, ये वैसे भी दोस्तों अनफर्टाइल है, इन्हें खाने देते हैं। बाकी ये अंडा हमारा फर्टाइल है, इसको वापस रख देते हैं। और ये देखें इसने तोड़ भी दिया अंडा, पता नहीं क्या चीज़ है यार ये। तो अगला अंडा देख लेते हैं। तो ये अंडा भी दोस्तों
अनफर्टाइल है, ये देखें कुछ भी नहीं बना हुआ इसमें, देख रहे हैं खाली बिल्कुल पड़ा हुआ। तो ये अंडा भी इन्हीं को दे देते हैं, उसे पता ही नहीं मैंने कुछ चीज़ डाल ली उसे। खैर दोस्तों अब क्या करते हैं, इसके पास एक अंडा है, इसके अंदर हम तकरीबन दो अंडे रख देते हैं अपने क्विल्स के, और देखते हैं कि अंडे, क्योंकि यार वो इनको बैठ तो करेगी क्योंकि हमने एक अंडा इसमें रखा हुआ है, और देखेंगे क्या कि इनके अंडे में से बच्चे निकलते हैं इस दफ़ा के नहीं निकलते। तो बाकी ये मोबाइल मैं दे देता हूँ, तो इनको फ़िलहाल चावल डालें क्योंकि चिड़िया तंग कर रही थी, वीडियो नहीं बनाने दे रही थी, तो हम अपना काम कर लेते हैं इतने जाके। वहाँ पे से बजीज के अंडे इसमें रख देते हैं दो अंडे, और ये आ गया हूँ मैस वाली साइड पे, और अंडों को भी देख लेते हैं कि यार कोई अंडा मतलब कि तिड़का हुआ तो नहीं है, मतलब टूटा हुआ तो नहीं है, ये भी हमें गौर करना पड़ेगा। तो ये देखें माशाल्लाह, ये दोस्तों बिल्कुल ताज़ा अंडे हैं, तो ये अंडा बिल्कुल दोस्तों सही है, ये देखें ठीक है। तो इसको रख देते हैं इसके अंदर, क्योंकि फीमेल को पता ही नहीं चलेगा कि हमने उसके साथ मजाक किया। ये अंडा भी दोस्तों हम रख देते हैं। इस अंडे पे यार थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि इसमें ये चिपके में हो सकता है ये टूटा हो, ये वाला रख देते हैं, ये बिल्कुल सही है, तो इसको मैं रख देता हूँ इसके अंदर। और माशाल्लाह दोस्तों दो क्विल्स के अंडे, एक इसका अपना अंडा, तो ये माशाल्लाह हम वापस लगा देते हैं अब, ठीक है। और फीमेल बड़े इंतज़ार में है कि ये, तो इसको मटकी को दोस्तों मैं वापस लगा देता हूँ इसकी जगह पे, कुछ इस तरीके से, ये देखें माशाल्लाह मैंने लगा दिया। और यार फिंचेस ने इधर नेस्टिंग की थी इस वाले हिस्से में, इसको साइड पे करता हूँ, इस ये जो मटकी है दोस्तों इधर नेस्टिंग की थी, देखते हैं कि इन्होंने, ये मजाक करती हैं हमारे साथ के वाकई में इन्होंने अंडे दिए, ये मजाक ही करती हैं दोस्तों, ये देखें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो यार इसको भी लगाते हैं, और हाँ वजीज़ के बच्चे देखते हैं दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया मैंने वजीज़ के बच्चे नहीं देखे, ठीक है तो चलें देखते हैं इनके बच्चे। और माशाल्लाह दोस्तों ये देखें कितने बच्चे हैं, एक दो तीन चार पांच बच्चे हैं माशाल्लाह, और ये ब्लू कलर के बन रहे हैं, शायद वाइट भी इनमें से हो कोई, पांच ही हैं दोस्तों माशाल्लाह। सात अंडे दिए थे लेकिन एक अंडा ख़राब हो गया, एक बच्चा मर चुका है। और इसका यार हम क्या करते हैं, ढक्कन हटा देते हैं क्योंकि आपको पता गर्मी आ गई है ना, तो फिर ये इनको मसला देगा। और ये देख भी सकते हैं दोस्तों आप, ये कैसे तरीके से किस तरीके से बच्चे यहाँ पे हाँप रहे हैं, देखें मुँह खोल के सांस लेने, इसका मतलब इनके गर्मी लग रही है। तो माशाल्लाह बच्चों की ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी हो रही है, और डायमंड डब्स को मैं नहीं छेड़ता, इनको हम तकरीबन हफ्ते बाद छेड़ेंगे, तो इसको दोस्तों तकरीबन तीन चार दिन बाद जाके देखेंगे क्या इनका बच्चा निकला है या नहीं निकला। ऐसे ऊपर से देख लेते हैं, तीन तीन डब्स बैठी हुई हैं यार, अब पता नहीं इन्होंने कितने अंडे दिए हैं, मुझे ये भी नहीं पता, मैंने बस हाथ लगाया था मुझे अंडा महसूस हुआ, मैं फिर गया ही नहीं वापस। और इनको देखें मैंने चावल डाले हैं, कितने शौक से सारे बजीज उतर चुके हैं यहाँ पे, और ये देखें माशाल्लाह ये देखें। तो ये स्टिक भी यार गिरी हुई है, इसको भी मैं लगा देता हूँ, क्योंकि ये अगर इस पर, क्योंकि ये दोस्तों ये बैठते हैं बल्कि बीच में करके लगा देते हैं यहाँ पे, कुछ इस तरीके से इधर से जो इसका ये हिस्सा निकला हुआ है कील से, इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ लें। अरे यार मैं बाद में ही करूँगा क्योंकि यार ये पक्की तरीके से लगानी पड़ेगी वरना ये हटती नहीं है, ये देखें ये निकल जाती है बार बार, मैंने कितनी दफ़ा लगाई है यहाँ पे, बस ऐसे ही लगा देते हैं इसको गुजारे के लिए। वैसे तो ठीक है, ये मैंने लगा दी है, ये बुलबुल आके बैठ चुकी है यहाँ पे। तो काफ़ी भाई मुझे कह रहे थे कि भाई आप अपनी बुलबुल को आज़ाद कर दें, इसको उड़ा दें, तो यार मैं आपको बताता चलूँ ये मेरी हैंड से दोस्तों मैं इसको उड़ा नहीं सकता, अगर उड़ाऊंगा अभी तो ये यहीं पे आ जाएगी वापस, क्योंकि तो एक दफ़ा मैंने ये गुस्से में उड़ा दिया था, इसे मुझे तंग काफ़ी करती थी, तो ये गई नहीं इधर ही गई, तो फिर मैं इसको नहीं उड़ा सकता क्योंकि यार ये जब मैं इसको खाना देता हूँ तभी खाती, खुद कहीं से भी नहीं उठा के खाती है, तो ये ना हो कि, और ये हैंड है मैं अगर किसी के पास जाके कंधे पर बैठ गई तो वो इसे पकड़ लेगा फिर, तो ये कुछ मसला है जिसकी वजह से मैं इसको आज़ाद नहीं कर सकता। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल हैंड है मैं दोस्तों बुलबुल मेरी, और सिंगिंग भी बड़ी प्यारी करती है। लगा कि मैंने ढक्कन वहाँ पे रख दिया था, तो ये डायमंड अब बैठी हुई यहाँ पे और खाने की कोशिश कर रही है, तो इसका मैं ढक्कन हटा देता हूँ यहाँ पे से ताकि ये खा सकें। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। और ये जो दोस्तों हमने एक्सपेरिमेंट किया, अब आपने मुझे लाजमी बताना है आपको कैसा लगा,
और दुआ कीजिएगा कि ये इनमें से बच्चे निकल आएँ। और ये दोस्तों ये वाला जो काम है ना, ये इंशाल्लाह मैं करता हूँ आज कल में। तो मिलेंगे दोस्तों इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।